महाकवि भारवी के जीवन के संबंध में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव उनके व्यक्तित्व को स्पष्टतया हमारे समक्ष नहीं रखने देता। उनके व्यक्तित्व को जानने के दो ही साधन हैं, उनके विषय में प्रचलित किंवदंतियाँ तथा उनकी कृति के आधार पर उनके व्यक्तित्व का वर्णन। प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर वे एक अभिमानी विद्वान व्यक्ति थे। उनके पिता को उनका ऐठना पसंद नहीं था और वे चाहते थे कि कहीं अभिमानवश शास्त्र पारायण छोड़कर उनका पुत्र विद्वता को न खो बैठे। अतः वे समय समय पर भारवी की भर्त्सना किया करते थे। सभाओं में अपमानित भारवी अपने पिता के इतने विरुद्ध हो गए थे कि एक बार रात्रि को छत पर जाकर बैठ गए और पास में एक बड़ा सा पत्थर रख लिया, जिससे अवसर पाकर अपने पिता के सिर पर गिराकर उनकी हत्या कर सके। वहाँ बैठे हुए अपने माता पिता की वार्तालाप को सुनकर उनकी आंखें खुल गई। भारवी को ये ज्ञात हुआ कि पिता उन्हें चाहते हैं। ये ज्ञात कर ग्लानी अनुभव हुई कि उनके पिता पीछे से एकमात्र पुत्र की यशः कीर्ति की सुप्रता व अद्वितीय विद्वता की प्रशंसा करते हैं और उनके शास्त्र चिंतन के परित्याग को नहीं चाहते। इसका भारवी ने 12 वर्ष ससुराल में गुजार कर भयंकर प्रायश्चित किया। इनके पद्ये सहसा विदधीत न क्रियामवेकः परमापदम पदम के विषय में भी श्रेष्ठी तथा राजा वगैरह की दंत कथाएं विद्वत समाज में प्रचलित है। महाकवि भारवी के व्यक्तित्व का सच्चा प्रदर्शन द्रौपदी, भीम तथा युधिष्ठिर की उक्तियों, किरात दूत तथा अर्जुन की उक्ति प्रत्युक्तियों में होता है। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित है, वे रसिक नहीं है किंतु कामशास्त्र के प्रकांड विद्वान है। श्रृंगार के कलापक्ष के कवि भारवी प्रणय कला के कवि माने जाते हैं, जबकि कालिदास प्रणय के कवि हैं। इसके अतिरिक्त छंदालंकारों का ज्ञान भी सर्वमान्य दृष्टिगत होता है। भारवी बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति परिलक्षित होते हैं, उन्हें किसी से लाग लपेट नहीं लगता। वे कहते हैं, न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषिणः, वेदकारी वचन कहने में अधिक विश्वास रखते हैं, भले ही उनमें माधुर्य हो या न हो। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, वे अपने आश्रयदाता को उचित शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझते हैं। स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम, वे गुणार्जुन को जीवन का लक्ष्य मानते थे। गुरुताम नयंति ही गुणान संहति, वे जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना ही उचित समझते थे। वर्जन्ति ते मूढधिये प्राभवम भवन्ति माया विसु येन मायिनः, वे स्वाभिमान को जीवन का अंग समझते थे। ज्वलितम न हिरण्यरेतसम चयमास्कदन्ति भस्मानाम जनः, जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च सभा गतिः। जल्दबाजी के विरुद्ध महाकवि भारवी के विचार उनके सुप्रसिद्ध पद्य में सुस्पष्ट है। सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदं वृणुते हि विमृश्य कारणं गुरु गुणलब्धा स्वमेव संपदः। महाकवि भारवी के एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम् महाकाव्य में अभिव्यक्त विचारों के आधार पर उनके व्यक्तित्व की कल्पना करने का अनुमानिक प्रयास है। इस आधार पर रचनाकार कवि के व्यक्तित्व की परिकल्पना करने के लिए चौर पंचाशिका और मृच्छकटिकम के रचनाकार कवियों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। कवि क्रांत दृष्टा होता है, वह अपने कवित्व के बल से सर्वत्र गतिमान होता है। अतः काव्य में अभिव्यक्त विचार पूर्णतया उनके व्यक्तित्व बोधक नहीं माने जा सकते और न ही दंत कथाओं पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। कवि कुलगुरु कालिदास ने कविता कामिनी की प्रौढ़ता प्रदान की है,
लेकिन उन्हें वैदग्ध्य प्रदान करने वाले महाकवि भारवी ही है। महाकवि भारवी की अमर कलाकृति किरातार्जुनीयम विदग्ध महाकाव्य के अंतर्गत परिगणित है। किरातार्जुनीयम संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक महाकाव्य माना जाता है। काल क्रमानुसार कालिदास विरचित रघुवंश तथा कुमार संभव महाकाव्य इनके पूर्ववर्ती हैं। माघकृत शिशुपाल वध तथा श्रीहर्षकृत नैषधीय चरितम इनके परवर्ती महाकाव्य हैं। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध बृहत्तरी में अन्यतम महाकाव्य किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम में महाकाव्य के लक्षण पूर्व रूप में गठित होते हैं। यूं भी भारवी अपने समय के कलाविद कवियों में अग्रगण्य हैं। ये महाकाव्य 18 सर्गों में निबद्ध है। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है तथा इसके नायक अर्जुन धीरोदात्त आदि गुणों से संचलित क्षत्रिय हैं। प्रधान रस वीर रस है, श्रृंगार आदि रस उसके पोषक हैं। प्रारंभिक 3 सर्गों में आरंभ अवस्था में समन्वित मुख संधि है या बीज पड़ गया है। 4th से 6th सर्ग के मध्य तक यत्नावस्था से युक्त प्रतिमुख संधि है। कथा का सूत्र दोनों सर्गों से 10th सर्ग तक प्राय एक जैसा है। 4th में शरद का वर्णन है, 5th में हिमालय वर्णन है। बीच बीच में षड ऋतु वर्णन, सूर्योदय, सूर्यास्त, पर्वत, नदी, जल क्रीड़ा, रति क्रीड़ा आदि का वर्णन है। 11th सर्ग में कथा पुनः मंथर गति से आगे बढ़ती है। इस सर्ग के अंत तक प्रत्याशा से संयुक्त गर्भ संधि है। 17th सर्ग तक नियताप्ति अवस्था से समन्वित विमर्श संधि है। अंतिम 18th सर्ग में फलागम से संबद्ध निर्वहण संधि है। इस महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक है। दिव्य पाशुपतास्त्र की प्राप्ति फल है। प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में ही वर्ण विषय का निर्देश प्राप्त होता है। श्रिये कुरुणाम अधिवस्य पालिनीम प्रजास्वृतिम यम युक्ते वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समायौ युधिष्ठिरम द्वेत वने वने चरह। पांडवों की प्रशंसा कर सज्जन प्रशंसा तथा दुर्योधन की दुर्जनता की निंदा वर्णित है। 8 सर्गों से अधिक सर्ग अर्थात 18 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में श्लोक संख्या 30 से अधिक तथा 200 से कम है। जैसे प्रथम सर्ग में 46, द्वितीय में 59, तृतीय में 60, चतुर्थ में 37, पंचम में 52 श्लोक हैं। अन्य सर्गों में भी लगभग यही क्रम है। इससे सर्ग न तो स्वल्प ही है न महत है। प्रत्येक सर्ग के अंत में नियमानुसार छंद बदल दिया गया है। 5th और अंतिम सर्ग में से प्रत्येक में भिन्न भिन्न छंदों का प्रयोग करके महाकवि ने नाना वृत्तमय क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते की सार्थकता सिद्ध कर दी है। सर्गांत में अगले सर्ग की कथा की सूचना भी नियमानुसार दी गई है। जैसे प्रथम सर्ग के अंत में वी दधति सोपदी संधि दूषणानि के द्वारा कवि ने अगले सर्ग की सूचना दी है कि अगले सर्ग में संधि तोड़ने विषयक वार्ता होगी। अंतिम श्लोक में रिपु तिमिर मदस्योदीयमानम दिनादौ दिन कृत मिव लक्ष्मिस्त्वाम संभेतु भूयः से ज्ञात होता है कि महाराज युधिष्ठिर को विपत्ति के बाद पुनः लक्ष्मी प्राप्त होगी। 2nd सर्ग के 54th श्लोक में व्यासागमन की सूचना द्वारा 3rd सर्ग के विषय का सूत्रपात हो जाता है। महाकाव्य का नाम आराध्य देव शिव को किरात के रूप में प्रकट होते हैं। उनके और महाकाव्य के नायक अर्जुन को लक्ष्य में रखकर रचा गया है। किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम। शिशु क्रंद्यमशः भद्वंदेन्द्र जननादिभ्यश्च इति 6 प्रत्यय से किरातार्जुनीयम धन 6 बराबर किरातार्जुनीयम ऐसा प्रसिद्ध होता है।
इसी प्रकार राघव पांडवीयम भी सिद्ध होता है। काव्यारंभ में मंगल सूचक श्री शब्द का प्रयोग भी किया गया है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किरातार्जुनीयम निसंदेह उच्च कोटि का महाकाव्य है।